हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पे क्या स्टडी नंबर वन। आप लोगों के लिए वीवी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए क्वेश्चन, आप लोग देखिए, आराम से देखिए, और आप लोग जो यूट्यूब चैनल पे नया आए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले देखें कि कह रहा है कि एक बस के पहियों का व्यास दिया हुआ है 140 सेमी। कितना सेमी दिया हुआ है दोस्तों? 140 सेमी। और पहिया प्रति मिनट कितने चक्कर लगाए कि उसकी चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ वीडियो पे बने रहें, वीडियो स्किप ना करेंगे तो स्किप कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले देखना है कि पहिए का चक्का, मतलब समझ लेंगे कि जो बस है ना, पहिए बस का क्या होगा, चक्का क्या किसके आकार में है, वृत्त के आकार में। अब वृत्त का जो आकार है इसका व्यास दिया हुआ है कितना सेमी, 140 सेमी। तो देखिए कि ये आपका क्या हो जाएगा, जो बीच में केंद्र है इसका कितना, 140 सेमी, ठीक है, 40 सेमी, समझ गया। तो यहाँ देखिए कि 140 सेमी है तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो देखिए इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 70 सेमी हो जाएगा। कितना सेमी हो जाएगा दोस्तों, 70 सेमी हो जाएगा, 70 सेमी हो गया। तो यहाँ लिख लेंगे कि वृत्त की व्यास, वृत्त की व्यास दिया हुआ है 140 सेमी, ठीक है, कितना, 140 सेमी, ठीक है। तो सबसे पहले 140 सेमी है तो आर कितना होगा, 140 बटे 2 हो जाएगा, आर निकालेंगे 70 सेमी मेरा आगे, कितना सेमी, 70 सेमी, है ना, समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए उसके बाद क्या कह रहा है कि वृत्त जब पहिए जब घूमता है, पहिए जब घूमता है तो किसके आकार में, मतलब उसको बोलते हैं परिधि, क्या निकालना, परिधि, है ना। तो सबसे पहले निकालेंगे वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr होता है, पता है ना, 2πr होता है। लेकिन ये आपको भी फॉर्मूला सबसे पहले बता चुके थे कि 2πr होता है, लेकिन पाई डी भी रखते ना तो क्या होता है, बन जाता, पाई डी भी रखते तो क्या होता है, बन जाता है ना। तो क्या रखेंगे कि 2 × 22/7 गुना आर कितना हुआ है, 70, कितना है, 70, है ना। तो देखिए तो 22/7 है तो 7 × 10 = 70, 7 × 10 = 70 हो गया ना। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि 22 × 44, 22 × 44 यहाँ देखेंगे 2 × 22 × 10 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 22 × 44 440, ठीक है, आपका इतना सेमी आ गया। अब क्या कह रहा है कि उसकी चाल इतना किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, वीडियो पे बने रहेंगे, वीडियो स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है 66 किलोमीटर प्रति घंटा है कि इस सेमी में है ना, तो सेमी में इसको बदलेंगे, क्या चीज़ में बदलेंगे दोस्तों, सेमी में, है ना। तो सेमी में बदलने के लिए सबसे पहले करेंगे कि 66 × अब किलोमीटर में है तो इसको मीटर में बदलेंगे, तो मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना करना पड़ेगा, और ए मीटर में है तो उसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा, तो 100 से मतलब 100 में 2 जीरो होता है तो 2 जीरो और बैठा देते हैं, है ना, समझ में आ गया। उसके बाद क्या कर रहा है कि घंटा, क्या समझ लिए, घंटा यहाँ क्या है, एक घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, देखिए 60 मिनट आ गया समझ में, यहाँ देखिए तो क्या होगा, काट देंगे एक जीरो काट दीजिए, अगर छोक 66, अगर छोक 66 तो कितना हो गया, 11 पर कितना जीरो हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा, कितना जीरो हो जाएगा, 4 जीरो, ये आपका कितना हो गया, सेमी में आ गया, सेंटीमीटर, मतलब ये आ गया सेंटीमीटर, आ गया ना। तो सबसे पहले ये सेंटीमीटर में आ गया, और बोला है कि चक्कर कितना, बोला चक्कर निकालना है, तो चक्करों की संख्या निकालना है, चक्करों की संख्या है, तो चक्रों की संख्या बराबर क्या होगा दोस्तों, कि चक्रों की संख्या बराबर क्या होगा कि 11000, 4 जीरो है, ठीक है, 4 जीरो, तो यहाँ 4 जीरो बैठाएंगे बटे कितना हो जाएगा, 440 हो जाएगा, है ना। तो 440 सबसे पहले हो जाएगा तो कितना होगा, 1 जीरो 1 जीरो यहाँ कट जाएगा, कट गया ना। अब यहाँ क्या करेंगे कि सबसे पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ करेंगे कि 11 इतना हो गया,
हो गया ना। तो 11 चौक कितना हो जाएगा, 11 चौक 44 हो गया। अब यहाँ कितना बचा, 1000, कितना बचा 1000। तो यहाँ लिख देंगे 1000 बटे 4। तो जब इसको काटेंगे 4 बार में तो कितना बार में कटेगा दोस्तों, 250 बार में, मतलब इसलिए 250 चक्कर निकला। कितना चक्कर निकला, 250 चक्कर। ये आपका आंसर हो गया, है ना। आप लोगों को समझ में आ गया तो लाइक।